स्वागत है पारस सर आपका। जी सुपर एलेक्स। तो सुपर एलेक्स लीडर्स, आप सभी के बीच में आज सुबह सुबह मॉर्निंग जो है बहुत ही शानदार सेशन होता है। आप और इसी सेशन के दौरान आज हम सक्सेस होने के 5 शानदार फॉर्मूले बताने वाले हैं। तो आप इसमें देखते रहिए, सीखते रहिए, टिकते रहिए, तो आप इस फॉर्मूले को जान पाएंगे। तो चलते हैं सुपर। जी हाँ दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मेंटल गेम, ब्रेन वॉशिंग। आप इस बिजनेस को अगर करना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक माइंड गेम है। आपको जो हमने बताया ना, ये अगर माइंड को सही तरीके से रख नहीं पाएंगे ना तो आप नहीं कामयाब होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मेंटल गेम। क्या है ब्रेन, क्या है वॉशिंग? अभी देखिए, एक घर में एक बाप के 2 बेटे हैं। अब एक बाप जो है ना बचपन से पीता था, तो बड़ा होके दोनों बेटा में से एक बेटा पूरा पीता था, तो उसको पूछा कि तुम शराब इतना क्यों पीते हो? तो वो बोला कि मेरा बाप बचपन से पीता था, इसलिए उसे देख देख के मैं भी पीना सीख गया, क्योंकि मेरा बाप पीता था। फिर दूसरे बेटा जो था वो पीता ही नहीं था, वो बहुत अच्छा बन गया और बहुत गांव में उसका समाज में बहुत अच्छा हो गया। उसी बाप का वो भी बेटा था, उसे पूछा कि तेरा एक भाई खूब पीता है और तुम भी उसी बाप के बेटे हो, लेकिन तुम क्यों नहीं पीते हो? तो उसने वही जवाब दिया, कहा कि मेरा बाप बचपन से खूब दारू पीता था, जिसके चलते परिवार टेंशन में रहता था, खूब लड़ाई झगड़ा होता था, खूब परेशानी होता था, तो मैं बचपन से ये सोच लिया कि बड़ा होकर जीवन में कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा, ताकि जो मेरे पिताजी के साथ बीत रहा है, जो मेरे पिताजी के साथ हो रहा है, वो मेरे जीवन में कभी ना हो। इसलिए मैं बचपन से ठान लिया कि मैं कभी नहीं पीऊंगा, कभी मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा। एक ही बाप का बेटा, एक ही माँ के कोख से पैदा लेने वाला, एक ही घर का संस्कार, एक ही परिवार में एक आदमी का जीवन प्रियंकर शराबी निकल गया और एक आदमी जो है करोड़पति बन गया। ये सिर्फ मेंटल गेम, ये सिर्फ एक माइंड का गेम है कि आपकी सोच कैसा है, आप कैसे सोचते हैं। क्या आप इस एलेक्स को करोड़पति बनने के तरीके से सोचते हैं? क्या इस बिजनेस को आप अपना जिंदगी का सारा चीज लगा देना चाहते हैं, या इसको पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं कि नहीं इसे क्या होने वाला है? ये सिर्फ एक माइंड का गेम है। इसीलिए आज के बाद मेरे दोस्त जीवन में कामयाब और कमाने वाला लीडर बनना चाहते हैं तो अपने पहले ब्रेन को वॉश कीजिए, तभी आप जो है ना कामयाब होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज द एजुकेशन एंड गेम। ये एक ऐसा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, ये एजुकेशन का बिजनेस है। ये बिजनेस में लोग जुड़ते बहुत हैं, काम कर अभी देख लीजिए, जूम पे बहुत लोग जुड़े थे, लेकिन कई लोग सोचते होंगे कि हम तो सब जानते हैं, उड़ गए हों। यहां जुड़ेंगे बहुत लोग, टिकेंगे बहुत कम लोग, और जो सीखते रहेगा टिकते रहेगा वो पैसा कमाएगा। आपको ये नहीं देखना है रेलवे स्टेशन में आप तुलसी बेचने चल गए है ना, डिटॉक्स बेचने चल गए, और आपको कोई पूछा के कि भाई ये जो है, या एक उदाहरण के समझाते हैं आपको। रेलवे स्टेशन में एक व्यक्ति पानी बेच रहा है 20 रुपया का। एक व्यक्ति उतरता है और उसको पूछता है पानी कितने का, तो बोला 20 का, और फिर वो हंसते हंसते फिर निकल जाता है। फिर एक व्यक्ति आता है, पूछता है पानी कितने का, बोला 20, फिर वो हंसते हंसते निकल जाता है। वो एक व्यक्ति वहीं पे बगल में देख रहा था, उसने कहा कि आपको बार बार कोई आके रेट पूछता है और सामान नहीं लेता है और फिर निकल जाता है, क्या आपको इतना समय में बुरा नहीं लगता? एज ए सेल, क्या आपको बुरा नहीं लगता? उसने कहा भाई साहब, वो जो आया और मुझे जो रेट पूछ के गया, उसको सिर्फ रेट पूछना था, पानी नहीं पूछ लेना था, उसको तो सिर्फ रेट जानना था, पानी नहीं लेना था। जिसको प्यास लगेगा वो रेट नहीं पूछेगा, वो सीधा खरीदेगा और बोलेगा बता दाम देना कितना।
जिसको लेना होगा वो रेट नहीं पूछता है, वो सीधा लेता है और बोलता है ले तेरा देना कितना है। लेकिन जिसको दाम जानना है वो व्यक्ति सिर्फ दाम जानते रहेगा। और ऐसे ही एक माँ के कोख से पैदा होने वाले कई लोग कई विचार बदल जाते हैं। तो आपके पास ये बिजनेस एजुकेशन का है, जिस टीम में जितना एजुकेशन होगा, जिस टीम में जितना ज्यादा ज्वाइनिंग होगा, यही दो काम वो करोड़पति बनेगा। और जिस टीम में एजुकेशन से भागता है, जिस टीम में एजुकेशन नहीं, जिस टीम में ज्वाइनिंग नहीं है, रोज आईडी खोलो और देखो क्या आपकी ज्वाइनिंग है। जिस टीम में ज्वाइनिंग नहीं है वहां काम नहीं होने वाला। जिस टीम में आज अगर जियो सोचेगा बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो आज सिम बेचने की क्या जरूरत है? आज भी सिम बेच रहा है, आज भी टीम लगा रहा है, आज भी नेटवर्किंग कर रहा है। तो ये एक एजुकेशन का बिजनेस है कि आज से समझ जाओ हमें बिजनेस एजुकेशन देना है। नेटवर्क मार्केटिंग इज रिजेक्शन एंड ऑब्जेक्शन एंड गेम हैंडलिंग, है ना। ये जो है बिजनेस ऑब्जेक्शन, ये जब तक इस बिजनेस में किंतु परंतु नहीं होगा, इसका मतलब एक बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में जब जाएंगे प्रोडक्ट बेचे तो दाम ज्यादा है, नहीं अभी पैसा नहीं, अभी बाप नहीं है, है ना। लव मैरिज करेगा ना तो साला बाप और खानदान से नहीं पूछेगा, लेकिन इधर आके एलएस करना है तो साला बाप मां से पूछेगा। साला दुनिया का सबसे बेइज्जती वाला साला बेशरम काम बिना मां बाप से पूछे साला कर लिया, और इधर करोड़पति बनना है साला बाप से पूछेगा। दुनिया की साली सबसे बड़ा समस्या ये, इधर आके बोलता है साला बाप और मां से पूछेंगे, उधर नहीं पूछा था माँ बाप से कि इधर इसे प्यार करना है। यहां करोड़पति बनने की बात आती तो माँ बाप से पूछेगा, इसलिए कि ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए तेरे पास धम नहीं है, इसलिए कि तेरे पास हाँ ना ये सुनने की बर्दाश्त नहीं है। और जो व्यक्ति इस लाइन में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने सका, जो व्यक्ति रिजेक्शन को हैंडलिंग करने सका, और इन सारे चीज को कहते हैं ना सेल में बेशरम बनना पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा बेशरम देखो इधर बोल रहा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा बेशरम इधर देखो बोल रहा है आपके सामने, और जितना बड़ा बेशरम उतना बड़ा बड़ा करोड़पति। और जिसको शर्म होता है वो उसका पूरा फूटे करण, और जिसको जल लगता है शर्म वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। तो ये बिजनेस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का बिजनेस है, और जिसको इससे डर लगता है ये काम तोड़ दे, है ना। तो आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इज ए डुप्लीकेट गेम है, है ना। ये बिजनेस डुप्लीकेट करने का गेम, ये बिजनेस में हमने जो कहा उसको डुप्लीकेट करते जाइए, हम जो कर रहे हैं डुप्लीकेट करते जाइए। हम कहते हैं बार बार जूम मीटिंग में आ जाओ, ड्रेस कोड के साथ वीडियो ऑन करके बैठो, नहीं करते। हम कहते हैं अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो जब भी कोई बड़ा सेमिनार होता है वहां पकड़ के गाड़ी में आदमी लेके आओ, नहीं करते। हम कहते हैं कि आप जो है रोज कुछ ना कुछ करते रहो ज्वाइनिंग आएगी, नहीं करते। हम कहते हैं कि सुबह निकलो, क्योंकि सुबह उठने का मन नहीं करता, सुबह घर से निकलने का मन नहीं करता, लेकिन जो चीज मन नहीं करता उसी चीज को करते हो तो तुम्हें वो चीज मिलता है जो तुम्हें चाहिए। लेकिन आप वो करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, सुबह घर से निकलने का मन नहीं करता वो तुम्हें अच्छा लगता है ना। घर से सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता तो तुम्हें अच्छा लगता तो वही करता है ना। घर से सांड जैसा सोते रहने का मन करता है तो तू वही करता, तो तुम्हें जो अच्छा लगता वही करता। सिनेमा देखना, घर जाना, छट्टी मुझोटी टाइम पास करना, जो अच्छा लगता वही करता। इसलिए तुम्हें वो चीज नहीं मिलता जो तू चाहता, तो तुम्हें वो चीज मिलेगा जब करेगा वो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और जब वो चीज करता जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मिलेगा वो जो तू चाहता। इसलिए आज के बाद डुप्लीकेट करो मेरे जैसा। हम क्यों कामयाब है भाई? हमारी कामयाबी का राज, हम हमेशा एजुकेशन के साथ, हम सुबह घर से रोज वो काम करते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। घर से निकलना अच्छा नहीं लगता फिर भी निकल रहे, सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता फिर भी निकल रहे, जूम मीटिंग में रोज रोज जुड़ना तो यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन साला रोज बैठ के जूम मीटिंग करते रहते हैं। ये सब एक जो है ना डुप्लीकेट का बिजनेस है, जहां पे लोग है ना क्या कर रहे हैं कि वो सफल हो रहे हैं। क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि आपको जो है ना बस वही चलते फिरते जिंदगी चलना है। प्लान दिखाएंगे नहीं, बस बताते रहेंगे, है ना। अपना व्यापार नहीं समझेंगे, है ना। शर्म महसूस करते रहेंगे,
है ना, हम नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नहीं जोड़ेंगे, बस वही मरीज खोजते रहेंगे। हम जो है काम करने की आदत नहीं डालेंगे, बस वही पुराना रगड़ घसड़ करते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, मैं बार बार कहता हूं, काम करने की आदत बनाओ और एक दिन यही आदत तुम्हें आदमी बना देगा। मेक यू हैबिट, हैबिट मेक यू। पहले हैबिट तो बनाओ, हैबिट तुम्हें आदमी बना देगा।